अब कल से श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा, पूर्णिमा है ना, कल पूर्णिमा से ही हो जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का श्राद्ध होता है, 16 दिन का ये पितृपक्ष होता है। ये पितृपक्ष जो आने वाला है कल से, इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। हम शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि हर पुत्र को चाहिए कि वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करे। साल भर आप भगवान को याद कीजिए, साल भर आप अपना घर का काम कीजिए, पर साल में 15 दिन जो होते हैं, 16 दिन कल से पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है और जाके अमावस्या तक रहेगा ये पर्व। तो कहने का अर्थ ये है कि यहां जैसे आप बड़े बेटे हैं अपने घर में, तो बड़े बेटे को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा से दिया गया दान, श्रद्धा से किया गया कर्म, श्रद्धा से किया गए कर्म को किसके लिए? अपने पूर्वजों के लिए। श्रद्धा से किया गया दान, श्रद्धा से किया गया उनके लिए कर्म श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध होता है। श्राद्ध किसे करना चाहिए? श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए। यदि बड़ा बेटा करे तो अच्छा है, नहीं करे तो मझले को करना चाहिए। अब मझला भी नालायक है, नहीं करे तब छोटे को करना चाहिए। करना तो बड़े को चाहिए। अच्छा, जब तक पिता है तो पिता श्राद्ध करेगा, पुत्र नहीं करेगा। ये श्राद्ध की विधि कौन करेगा? पिता। पिता नहीं है तो फिर पुत्र पे आ जाएगा बड़ा बेटा। बड़ा बेटा करे अच्छा है, नहीं तो मझला करे। मझला नहीं करे तो छोटा करे। करे कोई तो करे। क्या क्या कर सकते हैं आप अपने पूर्वजों के लिए? अब हम आपको बताते हैं क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। हमें यदि आप गया जी जाना चाहें तो आप गया जी जा सकते हैं। गया जी में वहां पंडे लोग विधिवत आपका श्राद्ध कराएंगे। फाल्गु नदी होती है वहां पर, श्राद्ध वहीं होता है। गय नाम का एक भक्त था भगवान का, था तो राक्षस पर भगवान की शरण में चला गया। तो भगवान ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग लो। भगवान ने कहा मुझे पवित्र कर दीजिए। भगवान ने कहा तो मेरी शरण में आए हो। उसने लेट कर प्रणाम किया भगवान जी को। गय नाम का व्यक्ति था तो लेट कर प्रणाम किया। भगवान बोले तुम तो पवित्र होगे, आज से तुम्हारे ऊपर जो जो श्राद्ध करेगा अपने पूर्वजों के लिए वह भी पवित्र हो जाएंगे। तुम ऐसी पड़े रहना। तो उसी के शरीर में आज भी ये श्राद्ध पिंडदान इत्यादि तर्पण होता है। आज भी वो गया तीर्थ वही है, गया वही है। तो गया जी हमें जाना चाहिए। यदि आपके पिताजी का आप श्राद्ध करना चाहते हैं पिंडदान। अच्छा, पिंडदान कब से होता है? जैसे 13वीं होती है ना, तो 13वीं के दिन भी पूजा होती है, उसमें भी पिंडदान होता है। वो पिंडदान उसको प्राप्त होता है जिसके लिए हम कराते हैं 13वीं, जो भी चला गया है। कुल मिलाकर ये कहना है कि हम बच्चों को चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के उस ऋण को उतारें जो ऋण हमारे माथे पर है। अब कोई पिंडदान ना कर पाए, कोई गया जी जाने का पैसा ना हो, पिंडदान करने का खर्चा ना हो, माना कि कोई बहुत गरीब है, माना कि कोई बहुत गरीब है,
तो वो कैसे पिंडदान करे, ना गया जी जा पाए, ना भागवत जी की पोथी करा पाए, ना कुछ काम कर पाए, वो उसके पितर कैसे तृप्त होंगे। माना कि कोई व्यक्ति बड़ा गरीब है, तो उसका भी एक उपाय है। कहते हैं कि आप दोनों हाथ उठाकर, यदि गरीब है तो अत्यधिक, कोई बेटा अपने पूर्वजों का पिंडदान श्राद्ध ना कर पाए, धन का अभाव है, तो दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों को याद करे, हे मेरे पूर्वज, हे मेरे भगवान, मेरे पूर्वजों को सदगति दीजिए, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ना कर पाया। आप अपने पूर्वजों से प्रार्थना करिए कि भगवान से प्रार्थना करिए मेरे पूर्वजों को सदगति दें, और प्रार्थना करते करते यदि कोई दो आंसू बहा देता है तो वो आंसू ही पिंड बन करके उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, उससे ही उनकी सदगति हो जाती है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि भले श्रद्धा के आंसू बहाओ पूर्वजों के लिए, पर कर्म करो, करो, करना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? आप लोग अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। गया जी श्राद्ध तो कराना ही है, पर भागवत जी से भी हमारे पूर्वजों की सदगति, गया श्राद्ध से सदगति होती है और भागवत जी से सदगति होती है। भागवत जी की पोथी, इसलिए अभी 13 तारीख से भागवत जी बैठेंगी श्राद्ध पक्ष में, तो आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने बाप दादों के लिए जो भी नहीं है उनके लिए पुत्र धर्म निभाकर आप भागवत जी सुनवा सकते हैं। धुंधकारी ने जैसे भागवत सुन के उसकी सदगति हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत से हुई। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, यदि जीवन में कुछ ना कर पाया हो और आप उनके लिए भागवत श्रवण करा दें तो उनकी सदगति हो जाती है। ये भागवत जी की महिमा है, ये तारना जानती हैं सो तारती। तो आप भी पूर्वजों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में पोथी पाठ करा सकते हैं। संग आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराइए। अच्छा, ब्राह्मणों को निमंत्रण कब करना चाहिए? इसका शास्त्रोक्त नियम है। जैसे आपकी पंचमी तिथि आई, आपके पिता की, दादा की, माना की पंचमी तिथि, तो पंचमी जो तिथि है उस तिथि में आपको माना की 10-12-15 ब्राह्मण बुलाना श्राद्ध के लिए, भोजन कराने के लिए। तो आप ब्राह्मणों को कब बुलाएं? एक दिन पहले यदि बुलाएं तो उसमें एक शर्त है, यजमान को और ब्राह्मण को दोनों को, जैसे आपने आज हमें निमंत्रण दे दिया कि महाराज जी आप श्राद्ध में आना है, तो आपने किसी ब्राह्मण को कहा कि पंडित जी कल आपको श्राद्ध में हमारे घर आना है, पंडित जी ने बोला आऊंगा, तो फिर उस दिन आपने बोल दिया तो आपके जो पितर हैं वो ब्राह्मण के भीतर जाकर प्रवेश कर जाएंगे कि आज कल ये पंडित जी हमारा श्राद्ध खाएंगे तो हम इनके भीतर रहें। तो जैसे माँ खाती है तो माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे ब्राह्मण देवताओं का खाया हुआ पितरों के पेट में चला जाता है, जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में। तो एक दिन पहले यदि आप करते हैं तो उसमें एक शर्त है, पंडित जी को और आपको, आप दोनों को, यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आज आपने निमंत्रण दे दिया तो आज की रात उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। यदि उन्हें अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया, यजमान ने या ब्राह्मण ने, तो वो पूर्वज फिर स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर इसका उपाय क्या है? बोले आप जिस दिन श्राद्ध है उसी दिन आप निमंत्रण दीजिए। आज श्राद्ध है आपका तो आज सवेरे 6 बजे निमंत्रण देने जाइए, लेकिन अब ब्रह्मचर्य का कोई पालन करे तो अच्छा है, अब ना करे तो शास्त्र जो कहते हैं वो मैंने आपसे कहा, इसलिए आप उसी दिन निमंत्रण कर सकते हैं। कि आप आजकल देखिए
इसलिए पहले हर गांव में दो चार ब्राह्मण होते थे ताकि ब्राह्मण ही प्रसाद पाए। प्रसाद तो फिर आप सबको पवाते हैं, समाज को, गांव को, जितना आपकी श्रद्धा है, पर ब्राह्मणों को प्रसाद पवाएं, मड़िया चकाचक खवाएं, मस्त उनको भोजन प्रसादी करा के दान दक्षिणा दें, तब जाके पितरों को तृप्ति मिलती है। तो ये श्राद्ध पक्ष है, पितरों को आप जो भी दे सकें, उनके निमित्त जो भी आप करें, वो श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति को, हर गृहस्थ को करना चाहिए। सो आप जो आपकी श्रद्धा है, जो आपके गुरुजन बताएं, जो आपके आचार्य चरण बताएं, वो आप कीजिएगा। इसलिए पंडित जी को बुला लीजिएगा, वो विधि विधान से करा देंगे। विधियां पता नहीं होती आप लोगों को, इसलिए ब्राह्मण को बुलाकर आप पूर्ण रूप से ये विधि कराएं।